गोद में सर है मैया, अब मुझको क्या डर है मैया, दुनिया नजरे फेरे तो फेरे, मुझ पे तेरी नजर है मैया। हे गाइस, जय माता दी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी तो आप सोच रहे कि मेरी आंखें कैसे सी लग रही हैं, क्योंकि अभी मैं सूखे उठी हूँ। आज सुबह बहुत जल्दी उठी थी, तो इसलिए बहुत जल्दी लेसेंस बहुत ही जल्दी, तो अभी फिर मैं सूखी उठी थी। और कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो अभी सबसे पहले मुझे मंदिर साफ़ करना है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मैं अकेले को करती आ रही हूँ डेकोरेट एंड ऑल, कि अभी तक जो भी डेकोरेशन थी ये सब मैंने की थी। और मैं व्रत भी सारा रखती हूँ, 7 के 7 और फिर 8 अष्टमी पूजते हैं हमारे यहाँ। तो बिना आगे और टाइम गवाए हम मंदिर को साफ करते हैं। इस बारे में कुछ सोच रही थी थोड़ा सा बहुत अलग करने के लिए, क्योंकि इट्स एवरी टाइम फ्लावर्स लगा देना एंड ऑल लाइट्स एंड ऑल, बट इस बारी थोड़ी सी मैंने सोची है कि और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ करें। तो या लेट्स गो विद इट, स्टे ट्यून्ड, बाय। तो सबसे पहले हम क्लीन करेंगे सारे स्टैचूज को और उनको पानी से वॉश करेंगे। न्यू लुक देने वाले हैं, तो मैं इसको इट्स अ वॉलपेपर और मैं इसको वॉल पे लगाऊंगी मंदिर की। लेट्स गो। द नेक्स्ट डे। हे गाइस, जय माता दी, हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कल मैं आगे का ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि जब मैंने मंदिर को डेकोरेट कर लिया था तो फिर उसके बाद मैं कुछ व्रत का सामान वगैरह लेने चली गई थी, और फिर मैं वहाँ से बहुत लेट आई थी, तो इसलिए टाइम नहीं था इतना। तो अब मैंने फाइनली जाकर मंदिर को डेकोरेट कर लिया है, एंड होप आपको अच्छा भी लगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा, पहले से भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर बार जब मैं नया नया कुछ करती हूँ ना, तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि मुझे पहले से भी अच्छा लग रहा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लग रहा है। जय माता दी आप लिख दो कि तो मैं समझ जाऊँगी इतने भी। तो या उससे पहले मैं आके आपको और कुछ बताऊँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, बट थोड़ा सा हिंट दूँगी कि मैं पिछले 1.5 साल से वैष्णो देवी नहीं जा पा रही हूँ, सिर्फ कोविड के वजह से, वरना तो मैं साल में 2 बार भी चल जाती थी। कोई भी जा रहा होता था, मासी होती थी या मम्मी और जाते थे, तो मैं उनके साथ ही कभी भी चल जाती थी, बट पिछले कुछ टाइम से नहीं जा पा रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ कुछ मेमोरी शेयर करूँ वैष्णो देवी की। तो यस, लेट्स गो। तो गाइस, दिस इज़ माय ट्रिप ऑफ 2019, जब हम बहुत सारी फैमिलीज़ गई थी। और ये व्यू जो आप देख रहे हो, ये है कटरा रेलवे स्टेशन का। तो पहले जो ट्रेन जाती थी जम्मू तक, बट अब कटरा तक की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, और हम हेमकुंड एक्सप्रेस ट्रेन में गए थे। वी आर फाइनली रीच्ड। तो हमने अराउंड 11 हमने यात्रा शुरू करी थी, और ये जो ब्यूटीफुल व्यू आप देख रहे हो, ये है कटरा का, जो हम चढ़ाई करते वक्त का रिकॉर्डेड है। एंड सीन दोपहर का है, लेकिन इवनिंग लग रहा है। और ये बंदर जो आपको मोस्टली आपको दिखेंगे नए रास्ते पर, बट ये क्लिप्ड हुए हैं पुराने रास्ते पे, क्योंकि पुराने रास्ते में वैसे
घोड़े और पालकियों की सेवा आपको उपलब्ध हो सकती है। एंड उस हम चढ़ाई करते वक्त ये जो आप देख रहे हो ये बस हम अर्थक्वारी ही पहुँच रहे हैं यहाँ से, और अर्थक्वारी भी मेरा सब मतलब पहली बार मैंने वहाँ दर्शन किए हैं। ये नाइट व्यू है और बहुत डर लग रहा था मुझे क्योंकि गुफा बहुत टेढ़ी मेढ़ी सी थी, तो मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे निकल पाऊँगी, और हम इतने सारे लोग थे तो थोड़ा सा हौसला मिला मम्मी से। और लाइनें बहुत लंबी लंबी लगी रहती हैं वहाँ, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ नंबर्स आपको प्रोवाइडेड होते हैं जिस हिसाब से आपको वो लाइन में व्यवस्था आपको दे करते हैं। और फिर हम अगले दिन निकले थे भवन के लिए। वेदर बहुत ही ज़्यादा कूल था वहाँ, कभी भी पता ही नहीं चलता है कि कभी भी वहाँ पर बारिश पड़ जाती है तो कभी बर्फ़बारी हो जाती है, तो कुछ नहीं वहाँ कह सकते। तो जब भी आओ हमेशा वेदर चेक करो। तो ये क्लिप रिकॉर्डेड है जब हम लोग दर्शन करके आ गए थे वापस, और फिर हम अगले दिन हमने उतराई कर ली थी। How's the Josh? Hi sir. How's the Josh? Hi sir. How's the Josh? Hi sir. हमारी सबसे बुड्ढी है। ये बूमरांग मम्मा और मेरी बाणगंगा की है उतराई करते हुए, और इसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे रुड़की आने के लिए। और मोस्टली हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम लोग उतराई कर लेते हैं उसी के बाद ही दरबार पर बर्फ़ पड़ती है, एंड एज यूजुअल ऐसा ही हुआ था इस बार भी। आप व्यू देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, और वहाँ ऐसा कोई व्यू नहीं होता जो आपको ब्यूटीफुल ना लगे। माँ का भवन, माँ का हर एक एक चीज़ वहाँ पर इतने प्यारे से सजाई जाती है। You love my Vaishno Devi Yatra, and if you did, don't forget to like, comment and share. And before I end this vlog, मैं माता रानी से दुआ करूँगी कि इस कोविड के टाइम पे आप लोगों की रक्षा करें। And you too, stay safe, take care, bye bye, see you soon with the next vlog, bye.